फैंस ने पूछा करण कुंद्रा से एक सवाल जो कि वाकई में काफी ज्यादा लाजमी था और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वेल, मैं आपको बता दूं कि ये सवाल क्या था और फिर करण कुंद्रा का आंसर क्या था। दरअसल सवाल ये था कि क्यों वेडिंग सॉन्ग में तेजस्वी प्रकाश नजर नहीं आए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये रुला देती है जहां पर एक स्टोरी थी जहां पर जो कपल है उनका पार्टिशन होता है, वही दूसरी तरफ वेडिंग सॉन्ग जो कि अगाजा के साथ करण कुंद्रा ने किया, जहां पर खुशी खुशी शादी करते हुए नजर आ रहे थे करण कुंद्रा, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वाला ये गाना था। अब ऐसे में फैंस ने एक सवाल पूछ लिया करण कुंद्रा से और वो सवाल ये था कि जहां पर तेजस्वी प्रकाश को होना चाहिए था, यानी कि वेडिंग सॉन्ग में तेजस्वी को होना चाहिए था, लेकिन वहां पर तेजस्वी नहीं थी और कह सकते हैं कि अकाशा जो है वो रुला देती है, मैं आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो है क्यों ऐसा हुआ कि रुला देती है मैं करण कुंद्रा के साथ में तेजस्वी प्रकाश जो कि उनकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड है, क्यों वो वहां पर है और अकाशा क्यों वेडिंग सॉन्ग में है, तो आखिर में इस पर करण कुंद्रा ने क्या आंसर दिया, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ केशविया और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दरअसल हाँ, करण कुंद्रा इस पर आंसर करते हुए नजर आते हैं कि रुला देती है वो एक ऐसे कपल्स की स्टोरी है जो एक समय पर बहुत ज्यादा क्लोज थे और वो रियल लाइफ कपल ही उस इमोशन के साथ में वो चीज कर सकते थे, और जहां पर तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा जो कि रियल लाइफ कपल हैं और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और यहाँ पर रुला देती है मैं इसीलिए तेजस्वी प्रकाश हैं क्योंकि वो उस इमोशन को समझ सकती हैं और वो ही इमोशन जो है वो जो उनकी ऑडियंस है वो फील कर सकती है, इसलिए रुला देती है मैं तेजस्वी प्रकाश और वही वेडिंग सॉन्ग। अगर आप गौर से सॉन्ग को देखेंगे तो ये दो बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी है और बहुत ही जॉय के साथ, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ और नोकझोंक के साथ में इस वेडिंग सॉन्ग को किया गया है। तो यहाँ पर जो है एज सच कोई स्टोरी नहीं है, वो खुशी खुशी शादी कर रहे होते हैं, लेकिन रुला देती है कि बात करें तो यहाँ पर एक स्टोरी है जहां पर एक समय पे बहुत ज्यादा क्लोज कपल्स होते हैं और फिर वो इमोशन जो है वो इसके अंदर डाले गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर तेजस्वी प्रकाश है और इसीलिए वेडिंग सॉन्ग में जो है वो अकाशा है। तो इस तरीके से करण कुंद्रा रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं और अपनी बात रखते हैं। जानना चाहूंगी मैं आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।